छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के ग्राम गमावाड़ा के वासियों ने अपने पूर्वजों की याद में सदियों पूर्व स्थापित किए गए पाषाण स्तंभों को आज भी सुरक्षित रखा है। दंतेवाड़ा से करीब 12 किलोमीटर दूर बचेली मार्ग पर ऐसे सैकड़ों पाषाण स्तंभ एक ही जगह पर आपको दिखते हैं। गांव में हुई किसी भी मृत्यु के पश्चात इन स्तंभों को उनके यादगार के तौर पर लगाया जाता है। ये स्तंभ आपको सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक लगे हुए दिखते हैं। साल भर में सैकड़ों सैलानी प्रदेश भर से यहाँ पहुंचते ही रहते हैं, देश विदेश के सैलानी भी यहाँ आते ही रहते हैं। इन स्तंभों की बनावट जो है वो आपको ब्रिटेन के स्टोन हेज की याद भी दिलाती है। सीधे खड़े स्मृति स्तंभ ही नहीं बल्कि आयताकार स्मृति स्तंभ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। गमावाड़ा वासियों का पूर्वजों के प्रति स्नेह और सम्मान इसी बात से प्रदर्शित होता है कि वे हर साल नए अन्न और साग भाजी का सेवन तब तक नहीं करते जब तक कि उसका एक अंश अपने पूर्वजों के पाषाण स्तंभ को अर्पित नहीं कर देते। स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि ये परंपरा काफी पीढ़ियों से चली आ रही है। ये स्तंभ 800 से 1200 साल तक पुराने हैं। पता है ये कितने साल पुराने हैं? ये तो बहुत पहले के पुरानी है सर। फिर भी अंदाज में कितना पुराना? वो ये 1990 के आसपास। इसको दफनाने का कोई अलग विधि होता है क्या? ये दफनाने में वो देवी बैठता जो है उसको दफनाया जाता है, जो आम आदमी जो देवी जो नहीं बैठता उसको जलाया जाता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा है क्या कोई जैसे गांव का बड़ा है या सरपंच है तो उसको उसको भी जलाया जाता है। अच्छा, हाँ जो देवी बैठता है उसी को जलाया जाता है, मतलब दफनाया जाता है। जो आम आदमी जो सरपंच हो चाहे मंत्री हो विधायक हो जो भी हो MLA जो बनता है वो जो उसको भी जलाया जाता है। दफनाने के वक्त मतलब ऐसा जैसा मैंने अभी देखा वहाँ पे कई सारा धान और कुछ उनके सामान उसको हम लोग के मानते हैं भूतपूर्व आजकल नियम है पहले से ही है उसका क्या है हम लोग क्रियाक्रम के अनुसार में उसको माना जाता है उसको क्रियाक्रम के अनुसार में उसको वो करते हैं डाल देते हैं और उसके बाद समाज को बुलाते हैं हर पारा हर गाँव हर शहर बुलाते हैं उसको बैठाते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं उसके बाद घर घर भेज देते हैं ऐसा। इन स्तंभों को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित करना शुरू कर दिया है। स्थानीय प्रबंधन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं जिसमें क्लोज सर्किट मॉनिटरिंग दिन और रात्रि पाली में चौकीदार की व्यवस्था एवं दोनों समय गश्त की व्यवस्था भी बताई जाती है। ये स्तंभ आकार में कुछ बड़े तो कुछ छोटे होते हैं। इनके आकार के पीछे भी अलग अलग कहानियां हैं। गांव के मुखिया पंच और सम्मानित व्यक्तियों के स्तंभ बड़े और ऊंचे होते हैं जबकि छोटे बच्चों और महिलाओं के स्मृति स्तंभ छोटे होते हैं। समाना जाता है कि गांव में जो भी स्तंभ लगाए गए हैं वो गांव वालों को बुरे प्रकोप से बचाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समाज में जिसकी मृत्यु होती है उसे दफनाने से पहले उससे जुड़ी रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे बर्तन कपड़े जेवर आदि के साथ चावल धान आदि गड्ढे में डाल दिया जाता है, उसके बाद मृत शरीर को दफनाया जाता है। दफनाने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार पत्थर लगाए जाते हैं। ग्रामीणों का ये भी मानना है कि मौत के बाद उनके पूर्वजों की आत्मा उसी गांव में रहती है, वे गांव और ग्रामीणों की रक्षा करते हैं। पूर्वजों की वजह से ही बुरे आत्मा और विपदा गांव में नहीं आती, इसलिए साल में कम से कम एक बार ग्रामीण अपने पूर्वजों के मृतक स्तंभ पर पहुंचकर नया अन्न अर्पण करते हैं और इसी तरह से ये ग्रामीण अपने पूर्वजों को अपने दिल में याद रखते हैं।